तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू मटर पुलाव। सबसे पहले अनियन को काट के मैंने जो फ्राई होने के लिए डाल दिया। ऑयल के अंदर आधा कप ऑयल लिए, तो एक अदर दरमियानी साइज की जो है मैंने प्याज ली है। चावल हमारे थे 3 पाव के करीब, आधा पाव मटर डाले और 2 छोटे आलू मैंने काट के डाले, और 2 दरमियानी साइज के टमाटर लिए। इसके साथ जो है ये टमाटर आलूओं को इन क्यूब्स की शक्ल में आप काट लें, और साथ 1 प्याली जो है मटरों की है आधा पाव की, ठीक है। जैसे हमारी प्याज ज़रा डार्क ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। प्याज हमारी हो गई है ब्राउन, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालते हैं। सबसे पहले टमाटर ऐड कर दें, नमक हम लेंगे। इसके अंदर मैंने अपने चावलों का साग रखा हुआ है, तो मैं इसमें 5 चम्मच नमक डालूंगी। आप अपना हसबे जायके नमक जो है ना ऐड कर लीजिए। लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आप इसमें ऑप्शन है हरी मिर्च का भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैं लाल मिर्च ज़्यादा डालूंगी। और साथ ही ये क्रश्ड हुई जो है ना काली मिर्च है 1 चम्मच ये डालूंगी। और गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ, 1 चम्मच के करीब जो है ना लाल कुटी मिर्च मैंने डाली। अभी मसाले को पानी से सटा लगा के इसी तरह से हम भून लेंगे। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। साथ ही अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आपको फील हो के मसाला नीचे लगने लगा आप थोड़ा सा पानी का छटा लगा दें, मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है। तकरीबन 3 पाव के करीब चावल है, मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, तो पानी इसका जो है ना मैंने डबल लिया है। 2.5 प्याली थी बनती है तकरीबन, तो मैंने 5 प्याली पानी ले लिया। अगर आपके पास जो चावल नए हैं तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कम पानी लगा लें, अदरवाइज़ पुराने चावल हों तो पूरा पानी ले लेते हैं। क्योंकि हमारे आलू मटर थोड़े से कच्चे हैं तो हल्का सा पानी का लगा के ना तो हम इसको थोड़ा दम तक दे देंगे, और आंच अपनी हल्की कर देते हैं। 2-3 मिनट में इंशाल्लाह गल जाएंगे, फिर हम बाकी हमारे जो है ना गल गए हैं मटर तकरीबन। अब इसमें इमली जो है ना थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आलू मटर के पुलाव में आता है। आंच अपनी तेज़ कर लेते हैं, और साथ ही बाकी जो हमने पानी अपना डाला हुआ है मिनकर वो ऐड कर देते हैं। स्टेज पे आपने फ्लेम फुल कर देना, फ्लेम आहिस्ता नहीं रखना चावल जब आपने डालने, तो जैसे उबाल आता है तो हम इसमें चावल ऐड करते हैं। पानी को जोश आ गया और ये चावल हमने निकाल लिए स्ट्रेनर भी, अब हम इनको आप पानी के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, फिर पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर देंगे।